मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। आज है नमः दशम। आज है हमारा स्वच्छ भारत का उपदेश क्वार्टर इंस्पेक्शन। तो आज ना पूरा एक लाइन हो गया, आज है दूसरा लाइन। जिस लाइन में हम लोग रहते हैं, हम लोग क्वार्टर वन टाइप वन में रहते, तो आज है हमारा लाइन। तो देखते हैं मैम आके क्या बोलते हैं। अगर मौका मिलेगा तो उस टाइम में थोड़ा वीडियो ले लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी, तो बाद में आप लोगों को उसको शेयर करूँगी। चलो यहीं से शुरू करती हूँ मैं आज का मॉर्निंग। अभी बज गया सुबह 11, फिर मिलते हैं। तो देखो मैम आ गई और मैं ना गेट पे खड़ी करके रखी हूँ। मैं बोला पहले एक वीडियो ले लेती हूँ, फिर मैम आ रही है अंदर, फिर देखो रूम देखने के बाद मैं मिलती हूँ। तो देखो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा बाहर। वो क्या है ना, आज विसर्जन है, तो हम लोग बंगाली हो तो बंगाली की क्या करती हो कि हम लोग माँ दुर्गा को वरण करते हो, जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए ना पान और मिठाई ये सब तो ज़रूरी, और थोड़ा सजना भी है। अगर सजने के लिए मेरे पास ना वो रेड और वाइट वाला साड़ी नहीं है, जो वो है ना मैं घर में ही रख के आ गई, इधर नहीं है। तो सोचा अगर वो अच्छी से मिल जाए तो वो भी ले लूँगी। बाबू बाहर ही है तो मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर नहीं है वो कैंपस के अंदर ही है। तो बोला कि आ जाओ लेके चलती हूँ, तो वो अभी उधर है खड़ा, तो अभी जा रही हूँ। चलो देखती हूँ क्या मिलता है। अगर लेने के टाइम दिखाने की कोशिश करूंगी, अगर दिखा पाऊँ तो दिखाऊंगी, नहीं तो लाने के बाद जब मैं तैयार भी हो जाऊंगी उस टाइम दिखाऊंगी। चलो मिलते हैं, मैं जाती हूँ बाहर। जाते जाते तो सोचा एक वीडियो दिखा दे। ये होता है हमारा कैंप का नज़ारा। ये मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ, ये है एक लाइन पूरा, ये देखो रास्ता। और इस साइड देखो, ये ना त्रिपुरा का मतलब फेमस है, पूरा जंगल से भरा हुआ। ये है क्वार्टर्स, पूरा सब एक एक लाइन भरा हुआ। ये देखो दूसरा क्वार्टर निकल गया। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। हाँ अभी ठीक हूँ, चलते रहियो जोर कदम से। वो जो बच्चे में आए थे वो इसके घर में आए थे। और ये देखो खास चीज़, ये रहा हमारा कैंटीन और पार्क। और मेरा मामू ने दीदी ये वाला रूम में रहती है, ये बगल वाली सामने ही पूरा। ये उसका कपड़ा है, ये रहा उसका क्वार्टर, ये रहा भैया का गाड़ी। देखो और एक क्वार्टर लाइन, ये है फर्स्ट लाइन। हमारा मंदिर, तो ये रास्ता जा रहा है सीधा गेट की तरफ। वो देखो गेट दिखाई भी दे रहा है, गेट के बाहर ही जाऊंगी। और इधर ही बाबू भी इधर काम ड्यूटी में है, उसको भी बुलाऊंगी। तो चलो उसको फ़ोन कर लेती हूँ, कॉल करना पड़ेगा बुलाने के लिए। फिर बाहर जाने के बाद अगर जो लेना है मौका मिले तो दिखा रही हूँ। और आप लोग बताओ आप लोगों को मेरा कैंपस कैसा लगा। पता आज का वेदर नहीं देखा, देखो कितना अच्छा है। मतलब दुर्गा माँ जा रहा है, उसका आज विसर्जन है, तो ये भी पूरा गुमसुम हो गया। चलो मैं बाबू को कॉल कर लेती हूँ। तो दो तालाब जिसमें शायद मछली है, और ये देखो बतख, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये ना खाली रहता है तालाब छोटा छोटा, इसमें शायद ये पानी भर दिया अभी मछली रखने के लिए। देखो मैं बाहर आई, इधर भी एक पूजा हो रहा है। सामने
तो मैं ना दुकान से आने के बाद ना और अपना क्या क्या खरीदा वो दिखा नहीं पाई, क्योंकि आने के तुरंत ही खबर मिला कि विसर्जन के लिए अभी निकल जाएगा। तो मैं फटाफट रेडी होकर निकल गई देखो, लेकिन बीच रास्ते में आके पता चला कि विसर्जन के लिए प्रतिमा को लेके निकल भी चुका है। और देखो बीच रास्ते में आके मैं रुक गई, और भैया लोग कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, और इधर गाना भी चल रहा था, और मेरे को बहुत अभी कलकत्ता वाला फीलिंग्स आ रहा था। और ये वाला जो गाना था ना, वो खाई के पाने बनारस वाला, ये वाला गाना चल रहा था। तो देखो साइड में मैं, बाबू, अमन, राशि, दीदी सब खड़ी थी। उसके बाद देखो धीरे धीरे सब डांस करते करते प्रतिमा को आगे लेके जा रहा है और मस्ती भी कर रहा है। इस टाइम ऐसा ही मैं भी बोल रही थी कि पूरा ऐसा ही लग रहा है ना कलकत्ता जैसा माहौल बन रखा है, कलकत्ता में भी ऐसे ही होता है। और जो गाना बज रहा था वो भी पूरा नागिन नागिन, और जितना भी भंगड़ा वाला हम लोग जिसमें डांस करते हैं कलकत्ता में, वो सब वाला ही गाना बजा रहा था। और मैं भी बोल रही थी कि इतना अच्छा गाना बज रहा है कि ऐसे ही पैर हिल रहा है डांस करने के लिए। तो धीरे धीरे देखो अभी भगवान माँ को लेके जा रहा है। तो इस टाइम ना मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि आत्मा जो इस टाइम आएगा मज़ा आ जाता है, लेकिन जिस टाइम जाता है पता नहीं क्यों आँखों में आंसू आ जाता है। तो वही हो रहा था मेरे को भी। और इधर देखो बाबू भी, मेरा बेटा भी घूम घूम के देख रहा था, उसका भी मन हो रहा था विसर्जन में जाने के लिए, लेकिन अभी तो ये प्रतिमा को घुमाएगा बाहर भी थोड़ा लेके जाएगा, तब जाके और विसर्जन दे देगा। अभी दीदी पूछ रही थी कि बाहर जाऊंगी कि नहीं, शाम को हम लोग थोड़ा घूमने जाएंगे, तो मैं बोल रही थी हाँ हाँ ठीक है। तो वही बात होने के बाद अभी बाहर जो दिखाया था ना, अभी उधर जाऊंगी हम लोग आरती। पूजा दे के मैं आ गई आरती करके, अभी खाऊंगी क्योंकि सुबह से खाई नहीं। ये है मेरा आज का लुक, मैं कैसे लग रही हूँ, यही है हमारी बंगाल का असली असली कल्चर और असली होली ये भी है साथ में।
मतलब शादी होने के बाद यही होता है हमारा होली, इसमें ही हम लोग खुश रहते। बाहर गई थी क्योंकि अंदर का जब हुआ था मैं उस टाइम तैयार नहीं हो पाई, इसीलिए बाहर से करके आई अभी। तो चलो अभी फ्रेश होती हूँ, होके हम लोग खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में मिलते हैं रात को। ये देखो मेरा लाडला, इसका चेहरा देखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। आज है विजयादशमी। तो क्या है ना, कल रात को ना और मैं वीडियो एंड कर नहीं पाई, कल भगवान को पूजा करके आने के बाद मैं ना सो खा के लेट गई, फिर मोहनपुर में घूमना नहीं जा पाई और रात को भी मैं आ नहीं पाई। क्योंकि क्या है ना, आज ना वो राशि अमन दीदी का जो मम्मी है मौसी, वो आज जाने वाली थी, तो आज जाने वाली थी तो कल रात को ही मैं उनसे मिलने चली गई थी और बहुत सारे बातें भी की, तो बातों बातों में ना लेट हो गया। फिर इधर जब आई उनकी क्वार्टर से, जब वापस घर आई तो हमारी क्वार्टर से क्वार्टर के नीचे में और बहुत सारी दीदी थी बात कर रही थी, उनसे उनके साथ भी बात करने लग गई, तो मैं वीडियो नहीं ले पाई, अंधेरा भी हो गया था बहुत, तो इसीलिए ना बातों बातों में मैं वीडियो एंड करना ही मतलब नहीं हो पाया, भूला नहीं नहीं हो पाया। और तो वो कल का वीडियो मैं एंड कर रही हूँ अभी आज सुबह 9 बजे। तो आज का वीडियो अगर कल में कुछ आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके मेरे को सपोर्ट कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। तो चलो मैं वीडियो यही एंड करती हूँ और सभी को मेरा विजयादशमी का प्रणाम, नमस्ते। आप सभी खुश रहिए, सभी अच्छी रहिए, आई होप सब पूजा अच्छे से मनाइए। मैं भी बहुत अच्छी से मनाई और फिलहाल मैं अभी ठीक भी हो गई हूँ, मैं चल भी रही हूँ और मेरा पैर का दर्द भी बहुत कम हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा एक दर्द है अभी। तो चलो यही एंड करती हूँ, नहीं तो आज का ब्लॉग शुरू नहीं कर पाऊँगी। बाय बाय।